दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ स्पेशल। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचर के बारे में, नेचर एनसाइक्लोपीडिया। दोस्तों, आपने कभी भी सोचा है कि नेचर में क्या क्या हो सकता है, इतने छोटे प्राणी भी। अभी आपको मैं एक साउंड सुनाता हूँ, वो है क्रिकेट का साउंड। वो खेलने वाला नहीं, जीवी का जो इतना छोटा होता है। आपको अभी साउंड सुनाई देगा। दोस्तों, आपने साउंड सुन लिया, कितना अच्छा था। इतना तो छोटा है और उसकी आवाज बहुत तेज है। दोस्तों, आपने कभी भी सोचा है कि नेचर में क्या क्या हो सकता है। हमारी नेचर बहुत ब्यूटीफुल है। और दोस्तों, आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन भी थोक दीजिए और उसके साथ वो जो घंटी है उसको भी दबा दीजिए और हमारे साथ कमेंट भी कीजिए और जितना चाहे उतना शेयर कीजिए, फ्री है शेयर करने का दोस्तों। और आप जितने लोगों को पहुंचा सकते हो उतने लोगों को शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचर के बारे में। तो दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेचर में आपने क्या क्या देखा है। दोस्तों, तो लेट्स बिगिन। दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं डेसर्ट, डेसर्ट के रीजन। इस चैप्टर का नाम है डेसर्ट रीजन। दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका में द सनोरा डेसर्ट, द सनोरान डेसर्ट, नॉर्थ अमेरिका सनोरान डेसर्ट इज एनॉर्मस। मतलब सनोरा डेसर्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। रीड करते हैं। इट इज ऑल्सो रिसीव इनफ रेनफॉल टू सपोर्ट अ ह्यूज वैरायटी ऑफ लाइफ। आपने कभी भी सोचा है कि रेनफॉल डेसर्ट में कैसे? हाँ, ये नॉर्थ अमेरिका के डेसर्ट में रेनफॉल भी होता रहता है। Is it a boy? Well, it and are actually wasps. ये जो wasps है ना, ये आप देख सकते हो, ये एंटमैन और वेब्स की वो मूवी में भी आ चुका है। Well, it and are actually wasps. Only the males have wings. Females lack wings. But they have nasty sting. मतलब मेल को ही फेदर्स होता है और फीमेल को बहुत पतली, जो उड़ भी नहीं सकती, वैसा फेदर्स है। पर उनके दोनों के काट इतने स्ट्रॉन्ग है, बहुत दर्द होता है। ओके, कैक्टस होम। देर आर फ्यू ट्रीज इन द सोरोनान डेसर्ट, सो द गीला वुडपेकर, मतलब द गीला वुडपेकर मेक्स इट्स नेस्ट इन अ कैक्टस स्टेम। मतलब वो गीला वुडपेकर कैक्टस में अपना घर बनाता है। आप देख सकते हो, वो भी वुडपेकर जिसे है, पर ये कैक्टस में कर रहा है। मेक्स इट्स नेस्ट इन अ कैक्टस स्टेम। इट विल यूज द नेस्ट फॉर जस्ट वन ईयर बिफोर मूविंग ऑन। ये एक ईयर तक ही वो नेस्ट यूज करता है और बाद में दूसरे नेस्ट को ढूंढने चला जाता है, नहीं तो बनाने। रन रन रन, द मोस्ट फेमस बर्ड इन द सरोनान डेसर्ट इज द रोड रनर, विच स्कैम्पर्स अलोंग एट स्पीड ऑफ अप टू 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब 18 माइल्स पर आवर। ये जो बर्ड है, आपको दिख रहा है, 30 माइल्स पर आवर, इसका नाम है रोड रनर। ये रोड में नहीं उड़ता है, पंछी है। हंटिंग स्मॉल मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, मतलब स्मॉल एनिमल्स जो मैमल्स होते हैं छोटे छोटे, उनको ये लेके जाता है और खाता है। अ लुक एट रेप्टाइल्स फ्रॉम लिजर्ड टू स्नेक्स टू टर्टल्स, many reptiles have successfully adapted to living in the Sonoran desert.
मतलब फ्रॉम रिजॉर्ट टू टॉर्टोइस, उतने एनिमल्स वो सुराना रिसोर्ट में रहने के लिए चालू ही, उनको तो आदत पड़ गई है। दोस्तों अभी देखते हैं, इज इट अ कैट, द रिंग टेल कैट इज इंट अ कैट। ये जो आप देख रहे हो, ये है एक रिंग टेल कैट। इट इज नॉट अ कैट, मतलब वो कैट नहीं है। इट्स नॉट अ कैट, इट्स रिलेटेड टू द रकून। रकून जो होते हैं ना डोरेमोन में, डोरेमोन को रकून डॉग बुलाते हैं, वो रकून में, मतलब डोरेमोन रकून नहीं है, उसमें भी रकून दिखाते हैं डोरेमोन कार्टून में। ये है रकून, रकून के फैमिली से जॉइन हुए हैं। बट इट विल क्लीन इटसेल्फ वेरी मच लाइक अ कैट, मतलब वो रिंग टेल खुद को साफ करता है लाइक अ कैट, वेरी मच, बहुत साफ करता है। रेडी टू एक्सपेंड फॉलोइंग रेन, दिस कैरेक्टर स्टेम स्वेल्स एज द प्लांट टेक्स इन वाटर। ये जो कैक्टस है, सारे कैक्टस ये पानी खींच लेते हैं जब रेनफॉल होता है तो, और फिर उनके लिए बचा के रखते हैं। इट कैन एब्जॉर्ब द वेट इन वाटर ऑफ अ स्मॉल कार। स्मॉल कार जो होती है, हम जो चलाते हैं उसकी स्मॉल कार, उतना पानी वो उसमें, ये जो स्मॉल कैक्टस में भर सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट पेज में जाते हैं। तो अभी माउंटेन्स एंड केव्स, दूसरा चैप्टर। वेयर इज द वर्ल्ड, अर्थ हैज सम इम्प्रेसिव माउंटेन्स एंड रेंज। आप देख सकते हो पिक्चर, इसका नाम मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम रीड करते हैं। अर्थ हैज इम्प्रेसिव माउंटेन एंड रेंजेस, द मैप शोज द लोकेशन ऑफ सम ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ दीज। बेस्ट नोन ऑफ दीज मतलब बेस्ट माउंटेन्स एंड रेंजेस। इस मैप में थोड़ा छोटा है पर आप देख सकते हो, आप देख लीजिए, हमारा हिमालय भी है। और दोस्तों ये जो एनिमल लायन जैसा आपको दिख रहा है, इसका नाम है माउंटेन लायन। तो दोस्तों होप यू एंजॉय दिस वीडियो, मेक श्योर टू लीव अ लाइक, सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।